राधिका, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कितने बज रहे हैं अभी? 10 बज रहे हैं, 10:30 11 बज रहे हैं। मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो मैंने दिखाई थी उस दिन। मेरी पैर की उंगली में पता नहीं क्या कुछ मवाद सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें ना पेन हो रहा है थोड़ा। तो मैं जा रही हूँ दवाई लेने। पहले हम जाएंगे होम्योपैथिक वाले पे, क्योंकि वो दवाइयाँ नुकसान भी नहीं करती हैं और ये दवाइयाँ मुझे नुकसान कर जाती हैं। इसलिए पहले मैं उनको चेक करवाऊँगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं दिखाऊँ आपको मेरा पैर, रुको अभी दिखाऊँ। तो देखो, ये मेरे पैर में यहाँ पे ये पूरा एरिया रेड रेड हो रहा है, और यहाँ पे इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरा पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मुझे सुबह से काफ़ी पेन हो रहा है। मुझे 2-3 दिन हो गए, पेन कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं वरुण के साथ, यानी कि मेरा देवर वरुण, मेरा छोटा भाई, मैं उसके साथ जा रही हूँ दवाई लेने होम्योपैथिक। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नर्सरी, क्योंकि मुझे तुलसी लेनी है। हमारी तुलसी ना बंदर तोड़ देते हैं। 2 तुलसी तो मेरी बंदरों ने तोड़ दी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी तुलसी थी। और ना मैं सुबह सुबह पता है रो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ना मम्मी मुझसे नाराज़ हो गई कि रोती क्यों, क्योंकि ना चाची मुझसे ये कह रही थी कि ना ये राधिका तेरा पैर ना इसमें ना इंजेक्शन लगेगा, इसका कटेगा, इसमें पता नहीं दबाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या वो मुझे बोले जा रही। तो मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो मैं रोने लग गई फिर मम्मी ना मेरे में आग दिखा रही थी नहीं, पर मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है सच में भाई। सब चीज़ से हट गए, मेरी सास मेरे को मिली है जैसी, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब मेरे को माँ जैसा है ये। वो मेरे को प्यार करती है वाकई में, वो अच्छी है काफ़ी, मेरा बहुत केयर करती है पूरा। अभी घर का काम भी वो मेरी हेल्प करवा देती हैं। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी में थोड़ा हवा नहीं है, एक पंचर, क्या बोलते हैं, पंचर टायर। तो मेरी दवाई कब लाओगे? हाँ, वो दवाई तो हम आ गए हैं होम्योपैथिक पे। यहाँ पे मैंने दवाई ली है, देखो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा होम्योपैथिक एरिया है, कुछ लोग भी अंदर बैठे हुए हैं, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं आप। समोसे। तो मैंने दवाई ले ली है यहाँ से। आंटी ने बोला है कि डॉक्टर को अवॉइड करो, ये आपकी फंगल इन्फेक्शन हुआ है पानी की वजह से। लेकिन मैं पानी में तो इतना जाती नहीं हूँ, फिर ये हुआ कैसे? वरुण कह रहे जाके गाड़ी में व्लॉग बनाओ। क्यों वरुण? तो मेरे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, पानी से थोड़ा बचना है मेरे को, और कॉटन और ऑइंटमेंट के लिए बोला है, जैसे कि बोरोलिन मुझको लगाने के लिए, उससे मे भी ये जल्दी का वर्क करेगा। तो अभी हम जाएंगे नर्सरी मेरे लिए तुलसी का पौधा लेने। ओके, तो मैं आ गई हूँ नर्सरी में, और देखो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं, इतने सुंदर सुंदर पौधे हैं। मेरा मन करता है कि मैं सारे पौधे उठा के ना घर ले जाऊँ, पर मेरी मम्मी मुझे बाहर फेंक देंगी। कहाँ रखिए अंकल जी, एक श्यामा भी देना, हम तुलसी ले रहे हैं। एक श्यामा और 3 रामा, नहीं 2 रामा। अच्छी देना जो जम जाए। देखो कितने सारे प्यारे प्यारे पौधे हैं, देखो देखो मैं पैर, वो मैं जानवर निकला है वहाँ से, भाग गया। मुझे तो हो जाती है यहाँ पौधों में आकर। तो ये बटन बेल है अंकल जी, बटन बेल 70 रुपए की है, किसी को चाहिए तो आगे ले जाओ। मेरी तो मम्मी मुझे बैंड बजा देंगी। ये कौन सा पौधा है अंकल जी? एक अंकल जी से और बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी गमले लेने के लिए आए हैं। तो अभी हम देखती हूँ मैं कौन कौन से पौधे मेरे मुझे ले रहे हैं। देखो बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं यहाँ पे, ग्रीन भी हुई पड़ी है। मैं सारे का रेट पूछ कर रहा हूं, मैं अभी वहां जाऊंगा। तो
जिम करोगे तो हाथ पैर दर्द होंगे। तो मैंने ले लिए हैं 4 तुलसी के पौधे। मेरे हाथ मिट्टी का भी हो गया, देखो मेरे पौधे कहाँ गिर रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे पौधे थे वहाँ पे, और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं और भी ले लूँ, तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल एरिया में, इसलिए थोड़ा सा गूंगा टम को रखना पड़ेगा। अब मैं घर पे जाके शाम को अपने पौधों को गमले में ट्रांसफ़र करूँगी, जिन गमलों में से हमारे महाशय बंदरों ने उखाड़ के फेंक दी थी। तो आज विश्वकर्मा पूजा है, तो सब अपने अपने घरों पे विश्वकर्मा पूजा करना। मैंने फूल ले लिए हैं अपने घर पे, जितनी भी आपके लोहे के सामान हो, गाड़ी, बाइक या फिर और भी जो चीज़ें हो, उन सब का पूजा करना, टीका लगाना चावल से, फूल से। तो अभी मैं जा रही हूँ, फूल ले लिए मैंने पूजा करने के लिए। मैं मार्केट में हूँ, बीच मार्केट में खड़ी हुई हूँ, और वरुण मेरे लिए कोकोनट वाटर लेने के लिए गए हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो अभी हम बस 5 मिनट में घर पर पहुँच रही हूँ मैं, फिर देखती हूँ। मैं दवाई ले आई हूँ और मैं पौधे भी ले आई हूँ, तुलसी के 4। तो पता है मम्मी ने मेरे लिए गोभी के पराठे रख रखे हैं बना के। मम्मी ने ना मेरे लिए गोभी के पराठे बना के रख रख लिए, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, और मम्मी मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। और रात को पता है मम्मी ने हमको ना हाथ की रोटी खिलाई थी, वो भी किससे, कौन सी दाल थी वो चने की और उड़द की। और वरुण लैपटॉप में कुछ कर रहा है। तो पता है, और अब बहुत सारा काम भी मुझे थोड़ा करना है। मम्मी ना चिल्लाती है मेरे ऊपर, मैंने ठाकुर जी दिखाऊं पर मैं एक झलक बस, उससे ज्यादा मैं नहीं दिखा सकती मेरे ठाकुर जी को। अगर किसी को मेरे ठाकुर जी देखने हैं तो वो मेरे घर पे आए, ठीक है। तो अभी मैं अपने गोभी के पराठे खाने के लिए अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। मम्मी मैं गोभी के पराठे किससे खाऊं? गोभी के पराठे कोई खाना चाहता है उसको मैं नहीं दूंगी, अपने अपनी मम्मियों से बनवाओ। नो गोभी का पराठा फ्रॉम राधिका, ठीक है। मैं गोभी का पराठा किससे खाऊं? टमाटो केचप, टमाटो केचप हो गई है खत्म, मेरे लिए कुछ अच्छा सा मंगवाओ। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मैं कैसे लग रही हूँ आज, मैं ड्रेस